रतलाम के गोल्ड गणेश जी तो आप सभी ने देखे होंगे। चलिए अब आपको दिखाते हैं रतलाम के पॉलिटिकल गणेश जी, जो नेताओं को हैं सबसे प्रिय। देखिए एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। ये दरबार सजा है रतलाम के विख्यात चिंताहरण गणेश जी का, जिन्हें लोग पॉलिटिकल गणेश जी भी कहते हैं। जी हाँ, पॉलिटिकल गणेश जी इसलिए क्योंकि रतलाम का कोई भी राजनेता हो इस मंदिर से ही चुनाव प्रचार की शुरुआत करता है और उसे चुनाव में मनचाहा परिणाम भी मिलता है। यही वजह है कि नेताओं की चिंता हरने वाले चिंताहरण गणेश जी पॉलिटिकल गणेश जी भी कहलाते हैं। इन 10 दिनों में रतलाम और आसपास के कई नेता भी आमजन के साथ चिंताहरण गणेश जी के दर्शन को पहुंचते हैं और उनसे पॉलिटिकल करियर की चिंताएं हरने की अर्जी लगाते हैं। लोग बताते हैं कि बीते 30 सालों से पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी हो या फिर कांग्रेस नेता पारस सकलेचा, वार्ड के पार्षद हों या महापौर, सभी इसी मंदिर से चिंताहरण गणेश जी का आशीर्वाद लेकर अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हैं और चुनाव में सफल होते हैं। विघ्नहर्ता के दरबार में इन दिनों भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। चिंताहरण गणेश की महाआरती के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं। कामना सिर्फ इतनी कि बाबा चिंताहरण की कृपा सदा बनी रहे। वहीं भक्तों की हर दिन दी जाने वाली प्रसादी भी अपने आप में विशेष है, जिसे भक्त चिंताहरण का आशीर्वाद मानकर ग्रहण करते हैं। ये राजनीतिक के हिसाब से राजनीतिक के गणेश जी हैं और जो भी चुनाव यहाँ से लड़ता है तो वो सबसे पहले शुरुआत यहीं से करता है। मैं 2 बार का पार्षद हूँ, दोनों ही बार यहीं से मतलब चुनाव प्रचार का श्री गणेश किया था मैंने। हिम्मत जी कोठारी भी यहीं से करते हैं और जो नहीं करता वो बाद में पछताता है। श्री नित्य चिंताहरण गणपति ये काफ़ी पुराना और बहुत ही प्राचीन है। इसको बरसों हो गए, राजा महाराजाओं के समय से है। इवन जब भी चुनाव भी होते हैं तो कोई भी बड़ा नेता या मंत्री या यहाँ के लोकल जो भी नेता हैं पहले यहाँ पर आकर ही यहाँ पर निवेदन करते हैं कि मुझे जीत मिले। और चूँकि यहाँ का नाम नित्य चिंताहरण है तो ये सभी की चिंताओं को हरने वाले हैं, तो सभी की चिंताओं को हरते हैं। और कई बार मैंने तो ये भी देखा है, मेरे खुद का प्रैक्टिकल भी है कि जो भी यहाँ पर सच्चे मन से मान कर गया है, जिसने इनकी भक्ति करी है, नेताओं ने भी यहाँ पर आके अगर अपना माथा टेका है तो उन्हें निश्चित ही जीत मिली है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है शहर का और अधिकांश राजनेता इस शहर में जो भी बड़े चुनाव है या छोटे चुनाव है, अधिकांश जो भी प्रत्याशी है वो इसी मंदिर से मन्नत लेकर और इसी मंदिर के आशीर्वाद लेकर जो है अपना नामांकन भरने जाते हैं। और ऐसा अक्सर देखा गया है कि जो भी इस मंदिर पर श्रद्धा रखता है उसका जो है भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है
पिछले 20-30 सालों से तो सभी उम्मीदवार करीब करीब यहीं से आशीर्वाद लेकर जो है चुनाव के नामांकन के लिए गए हैं। रतलाम के पॉलिटिकल गणेश की स्थापना रतलाम के स्टेट जमाने में की गई थी। यह पश्चिम मुखी चिंताहरण गणेश जी हैं, जिनके दरबार में 10 दिनी गणेश उत्सव की खासी धूम नजर आ रही है। वहीं चिंताहरण गणेश जी के दर्शन के बाद रतलाम के नेताओं को विधानसभा चुनाव का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, रतलाम।